जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में झनकर ड्यूरी रोड लोक निर्माण विभाग खटीमा द्वारा लगभग 1 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जो बनने के कुछ माह बाद ही उखड़ना शुरू हो गया। रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए तथा गड्ढों में जल भराव बना हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों के साथ ही स्कूली बच्चों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोड पर बने गड्ढों, जल भराव और रोड के खस्ता हाल से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे रोड के आसपास के ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। वहीं ग्राम सबौरा के आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड पर खड़ा होकर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड की मरम्मत की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। वहीं ग्राम सबौरा निवासी बीडीसी सदस्य तेज सिंह मेहर ने बताया कि रोड पर बने गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सबौरा में एक तो खड़ंजा बिछा हुआ है, खड़ंजा अभी तक घटा नहीं और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही है, रोज और बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जाते टाइम पानी भर गया गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कितनी बार हमने प्रशासन से कह दिया है, कुछ हो नहीं रहा इसमें, और कोई ना कोई रोज दुर्घटना इसमें हो रही है, रोज कोई ना कोई इसमें गिर रहा है। अगर जल्द से जल्द इसका अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम जल्द से जल्द इसमें आंदोलन करेंगे। नवीनीकरण में बनी थी, पिछले नवंबर में बनी थी, नवीनीकरण में इसमें एसटीपीसी का काम किया गया था, तो कुछ स्थानों पर पानी की निकासी प्रॉपर न होने का लोगों द्वारा नाली बंद कर दिया जिस कारण दिक्कत हो रही। बीच में भी इसको ठीक कराया था, पुनः इसको जेसीबी वगैरह भेज कर इसको ठीक करा के जो है गड्ढों में मेटेरियल भर दिया जाएगा। और 2 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में अभी ठेकेदार के हैं, तो उसके बाद बरसात के बाद जो है ठेकेदार से इसको ठीक करवाएगा। क्या लागत? लागत तो इसमें जो आएगी वो तो ठेकेदार को खुद वहन करनी है। हमने जो किया है 7 किलोमीटर किया है ऑलरेडी, पहले लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी लागत रहेगी।